एक संवैधानिक संस्था आदेश दे रही है। हाँ जी साहब, अपराध तो हमारे घटाने की कोशिश है और मैं समझता हूँ कि हम घटा लेंगे इसे ख्याल से। काई की कंपनियां उसको थोड़ा खुरहा ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कंपनी कई प्रकार की होती है, सबसे ज्यादा कायमी पिछले 6 महीने के अंदर इन कंपनियों के ऊपर मध्य प्रदेश में की गई। इन पर कार्रवाई भी हुई है और कायमी भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आप आजादी से बाद से इन 6 महीने के पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन 6 महीने का आप ज्यादा पाएंगे। अगर आप भी कोई मेरे को लिखित में डॉक्यूमेंट देंगे तो मैं आज ही निर्देश देके जाऊंगा कार्रवाई का। सवाल किसी याद का नहीं होता है, सवाल उन घटनाओं की स्मृति का होता है जो घटना किसी कारण से कभी घट जाए। अकेले उनके संग्रहालय नहीं है, हमारे यहाँ तो शहीदों के लिए भी भोपाल के अंदर बनाया गया है, शहीद स्मारक बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अलग से कभी नहीं जाओ तो वल्लभ भवन के सामने देखने जाओ, मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा स्थान बनाया, नया तीर्थ बनाया। ये सरकार राष्ट्रीयता की सरकार है, राष्ट्रवाद की सरकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके बाकी के स्मारक को स्टेचू हम ही बनाएंगे, वो थोड़ी बनाएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। अनेक मैन जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है, हम सब सहयोगी की भूमिका। सवाल ये आता है बंगाल में लगातार 112 वहां पर आपके खिलाफ आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ और आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय शब्दों का लगातार प्रचार कर रही है। राज्यपाल ने भी इस बात पर संज्ञान किया है। बीजेपी हम तो आज ही मांग कर देते हैं आपके सामने। मांग अलग बात है, संवैधानिक स्थितियां अलग बात, लेकिन उनकी बौखलाहट जैसा आपने कहा, मैं नहीं कह रहा, जैसा आपने कहा कि वो असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रही, जैसा आपने कहा कि हमले कर रही, जैसा आपने कहा 120 लोगों की हत्या, तो वास्तव में इसका मतलब वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज। मैं आपकी बात को ही सही मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं वहां पर माफिया राज हावी है, सरकार माफियाओं के हाथ में, ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है। बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया वहां सरकार चला रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार हो तो उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। हम मांग करते हैं महाराष्ट्र शासन लगा देना चाहिए। सब संविधान के होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल, सरकार हमारी है। क्यों नहीं जा सकती है? अप्राइजल रिपोर्ट के जैसे जैसे पन्ने खुल पलटेंगे आप प्याज के छिलके की तरह उतरेंगे। वो जानते हैं, बोए रोपे बिरवा नीम को तो आम कहां से हो, अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो गुलाब कहां से आएगा, बबूल ही आएगा, काटे ही आएंगे। इतना भ्रष्टाचार आपने कभी देखा नहीं होगा। कौन लोगों को पूछ लेंगे ना, तेरे साथ हो गए। जब मुख्यमंत्री चाहेंगे, बहुत सरल सा जवाब, कोई कठिन सवाल। चौथा हो गया आपका, दोनों पे होगी, कोई नहीं बचेगा, बचेगा कोई नहीं। ये शिवराज सरकार है या कानून का राज्य। सर एक सवाल मेरा, ये दोनों ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं, सीडीए के अंतर्गत आते हैं। फिर भी अगर कोई विषय आप मेरे संज्ञान में लाओगे तो अनुमति दिलवाए। चावल घोटाला, सरकार में बालाघाट, वो भी रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई, और माने मुख्यमंत्री जी ने तो बोला था कि कोई घोटालेबाज नहीं बचा, लेकिन अभी तो ईओडब्ल्यू पूरी दिन पूरी। हम तो यही बोलेंगे, आपके चारे कुछ और बोले, बचेगा कोई भी नहीं।
आप निश्चिंत रहो, रिपोर्ट आने वाली है, मैं समझता हूँ जल्दी आएगी। संभावनाओं पर तो पूरा आंदोलन चल रहा है, आप संभावनाओं पर सवाल कर रहे हो। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग है वो संभावनाओं पे आंदोलन कर देती है। सीएए लेके आए, अब सीएए आया तो लोगों ने कहा कि आपको 3 पीढ़ी तक के कागज दिखाने पड़ेंगे और नहीं दिखाओगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। लोगों ने व्हाट्सएप पे चुटकुले बना दिए, 3 पीढ़ी के कागज कहां से लाए, 3 पीढ़ी के कागज बकरी खा गए और अबू बकरी को खा गए, अब कागज कहां से आए, ऐसे किससे आए। लेकिन क्या आज तक किसी से कागज मांगे, अब 1 साल से ऊपर हो गया, क्या आज तक कोई पाकिस्तान गया? सिर्फ संभावनाओं पे आंदोलन कर दिया कि पाकिस्तान भगा दिए जाए। ये आंदोलन भी कमोबेश किसान आंदोलन जो सवाल किया मेरे मित्र ने, वो वही है कि देश की मंडियां बंद हो जाएंगी, देश के अंदर किसानों को MSP बंद हो जाएगी। हम चीख चीख के कह रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे जो लोग बैठे हैं वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वो लोग हैं, पर हम वो लोग हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा।